हमारी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है ये आदम गोंडवी का शेर है लेकिन ये शेर आज भी कारगर है क्योंकि आज की स्थिति देश की वही की वही है जो पहले थी सत्तर साल बीत चुके हैं लेकिन लोगों के हालात वैसे के वैसे ही हैं कहा जाता है भारत गांव में बसता है लेकिन ये 2021 है डिजिटल इंडिया बन गया लेकिन हालत वहीं की वहीं है ऐसे ही एक गांव है नकेल गांव जो हल्द्वानी से सात किलोमीटर दूर है और गोला पार्क का जो हाईवे है वहाँ से चार किलोमीटर अंदर पड़ता है और जहाँ का पक्का रास्ता भी नहीं है और साथ ही एक सूखी नदी पड़ती है और ये गांव इसी वजह से चर्चा में रहता है कि सूखी नदी के आने पर यहाँ से गांव का कनेक्शन कट जाता है कनेक्शन इस तरह कटता है कि बरसात आने पर दो दो महीने भी लोग बाज़ार नहीं जा पाते हैं कोई आकस्मिक कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाए तो भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो नहर है वो काफ़ी उफान पर रहती है और उसी के लिए आज हम इस जे जे की टीम नकेल गांव आई है और यहाँ के लोगों से जानने के लिए कि क्या समस्या है और क्या परेशानियाँ हैं और ये कब से ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण जन उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्या है सर आपका नाम मेरा नाम बी डी भट्ट है मैं हिम्मतपुर नकेल अल्दानी जिला नैनीताल का निवासी हूँ स्थाई निवासी भारत गांव में बसता है और हम गा, हमारा गांव हिम्मतपुर नकैल एक बहुत सुंदर गांव है लेकिन यहां पर आने जाने की असुविधा जो है वो कई दशकों से चली आ रही है और कई दशकों से हमारे बुज़ुर्ग लोग आ, कई संघर्ष करते, करते आए हैं इस बारे में और हमें प्रशासन से और नेता लोगों से आश्वासन मिलते आए हैं लेकिन आज तक हमारे बुजुर्ग तो इस दुनिया से चले गए बहत्तर वर्ष की मेरी आयु है और मैं भी इसी आशा में हूँ कि ये पुल बन जाए बिल्कुल आपने जैसा बताया कि सुंदर गांव है पीछे पहाड़ है आप देख सकते हैं और ये मक्का के खेत में जो मक्का लगी है और यहाँ का मेन व्यवसाय इस गांव के लोगों का कृषि ही है सर आपका नाम धर्मन पांडे सर कितनी उम्र है आपकी मेरी उम्र बहत्तर साल है बहत्तर साल संघर्ष कर रहे हैं आप मैं बहत्तर साल से संघर्ष कर रहा हूँ इस सड़क के लिए इस पुल के लिए और इस गांव के लिए न यहाँ पानी की व्यवस्था है एक ट्यूबवेल लगाए बड़ी मुश्किल से अगर वो भी फूक जाए तो कल को पानी के ही गाँव वाले रह जाएंगे एक दफ़े वो आया था जंगला था उन्होंने गोल नहीं बनने दी और बच्चे हमारे कई कई दिन तक सूखी नदी की वजह से बच्चे यहीं घर में रह जाते हैं एक एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा पाते हैं आजकल तो कोरोना की वजह से बच्चे घर में हैं इसलिए बच्चों को जाने के बड़ी वो है अभी परसों ही सूखी में अब बाढ़ आई एक औरत बीमार थी उसे बड़ी मुश्किल से कंधे में लेकर के हम पार गए इसलिए सरकार से निवेदन है कि जनता की बात सुनते हुए हमारे गांव की समस्याओं को सुनते हुए कि पुल का शिलान्यास हाँ शिलान्यास बिल्कुल लोगों की यही मांग है कि यहाँ पुल का जल्द से जल्द जो है निर्माण कराया जाए ताकि जो ये गांव के लोग हैं उनकी समस्या दूर हो सके हमारे साथ मौजूद हैं गांव के प्रधान जो है मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि अब तक उन्होंने किन लोगों से मांगे किए हैं किन और क्या सरकार से आश्वासन मिला है कहा गया कि ये 2013 में इस पुल का जो है उद्घाटन की घोषणा की गई थी बनाने का आश्वासन दिया गया था बहुगुणा सरकार द्वारा तो उसके बाद कुछ हुआ इसमें और क्या अभी की स्थिति है मैं तनुजा पांडे ग्राम प्रधान लक्षमपुर जैसा कि हमारा जो गांव है नकायल हमारे गांव में सबसे मेन समस्या पुल और रोड की है और 2017 में जो हमारे इस सूखी नदी में पुल और इसका शिलान्यास हुआ था उसके बाद अभी बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टियों से हमें कोई भी मतलब कुछ भी आशा नहीं है और अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी से हमें आशा है कि वो हमारे इस समस्या का समाधान करें और जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं हम उनसे भी आशा करते हैं कि हमारी इस बहुत बड़ी समस्या को वो हल करेंगे अभी अभी क्या हालात अभी के हालात आप रोज़ के रोज कभी कोई कभी कोई सभी देख रहे हैं इस हालात में अभी हमारे गाँव की कल एक महिला बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई उसे कैसे ले गए हम ही लोग जानते हैं हमारे गाँव वाले अगर ऐसे ही अगर इससे अधिक पानी होता जैसे उन्हें कल ले गए अगर अधिक पानी होता शायद वो यहीं दम तोड़ देती और बच्चों का भविष्य बिल्कुल बेकार है अगर सुबह बच्चे स्कूल चले गए दिन में बारिश आ गई सूखी आ गई तो बच्चे बेचारे तीन चार बजे तक जब तक सूखी कम न हो वहीं रहते हैं कभी ऐसा भी हुआ बरसात में बच्चे स्कूल गए वापस घर नहीं आए कि कहीं और रुकना पड़ा क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं एक में दो में एल के जी वाले बच्चे कितनी हमें कितनी टेंशन होती है हमें उन बच्चों की क्या खाएंगे कैसे रहेंगे करके बहुत बड़ा मतलब हमारे पुल और रोड का तो बहुत बड़ा विषय है बहुत बड़ा विषय है और आप समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह का कनेक्शन ही कट जाए तो आप आपको इस तरह देख सकते हैं अगर कहीं पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना हो तो हम इतना परेशान हो जाते हैं और ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर कुछ सब्ज़ी भी लेनी है कुछ आटा दाल चावल की ज़रूरत है तो आपको गोलापारी हल्द्वानी जाना पड़ता है और ऐसे में सूखी न दिया जाए तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है और महिलाएँ भी हमारे साथ हैं इनसे जानते हैं क्या समस्या जो है इनको पेश आती है इस दौरान क्या नाम आपका हेलो मेरा नाम बीना पांडे है मैं नकेल गांव में रहते हैं हम लोग यहाँ जब से मेरी शादी हुई है तब से यहाँ बहुत परेशानियाँ हुई है। आप हैं आप पच्चीस साल हो गए हैं पच्चीस छब्बीस साल से हम लोग बहुत परेशानियाँ में हैं ना तो कभी पुल बनती है ना रोड बनती है बच्चे जब स्कूल जाते हैं वार के वार रह जाते हैं पार के पार रह जाते हैं बहुत परेशानी में हैं हम लोग इसका कोई मैं हूँ राधा भट्ट मैं हूँ राधा भट्ट और क्या कहते हैं मेरे कल दो बच्चे क्या कहते हैं वहाँ गए थे हल्द्वानी जॉब करने गए थे वो क्या कहते हैं वो सूखी पारी रह गए कल शाम नौ बजे रात आए और सुबह से मतलब बारह बजे से सूखी में बैठे रहे भूखे प्यासे और क्या कहते हैं सूखी से पावार नहीं हो पाए बहुत ज़्यादा सूखी आई थी छः सात बच्चे थे और मतलब वैसे मेरे दो बच्चे हैं दो बच्चे वारी रहे और भी गांव के बच्चे थे उनके लिए तो बड़ी समस्या है मतलब ये इधर आ नहीं पाते हैं वो रात के नौ बजे गांव वाले लेने के लिए ले गए फिर वो मतलब टॉर्च की लाइट हाइट से उनको बच्चों को वार किया फिर बड़ी मुश्किल से घर आए घर मुश्किल से पहुंचे हमको पता है कि क्या कहते हैं हमारे बच्चे हम भी फ़ोन करते करते परेशान रहे हमको पता है कि हमारे बच्चे कैसे समस्या झेल रहे हैं क्या करते हैं बच्चे रोज़ जाना पड़ता है उनको मुसीबत झेलनी पड़ती है स्कूल तो उन पढ़ना ही हुआ क्या करें हम तो एक गाँव में रहने वाले हुए हम मतलब वैसे मज़दूरी हजदूरी करने वाले हुए कोई वो नहीं हुआ हमारा हम बच्चों की समस्या से हम तो दिन भर रोते रोते रहे कि बच्चे हमारे कहाँ रहे बहुत गंभीर समस्या है बहुत गंभीर विषय है बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो वापस नहीं आ पाते यहाँ उनकी माताएं उनके पिता परेशान हैं इस और हम भी अपने जय जैन के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे सरकार से और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस गांव के पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए और जो यहां का जो सड़क का माध्यम है जो सड़क मार्ग है उसको भी पक्का मार्ग बनाया जाए क्योंकि जब हम यहाँ आए तो यहाँ की रोड बहुत क्षतिग्रस्त थी और लग रहा था कि पिछले काफ़ी दिन समय से यहाँ पर किसी नेतागण का भी दौरा नहीं हुआ है और आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है तो हो सकता है कि आप लोगों को भी सौगात मिल जाए प्रेंगे कुछ प्रेंगे और अच्छा ही अगर कोई सौगात दे देता है चुनाव के बहाने भी तो काम होने का मतलब है जो भी होता है हमारे तो समस्या लड़कियों की है लड़के और नौ बजे रात तक वहीं रहे बेचारे क्या करते फिर गाते गांव वाले जाके बड़ी मुश्किल से इधर लाए उनको टॉर्च की लाइट हाइट जला के इन अंधकार में जानवर आते हैं वो होता है हमारे सरकार तो कोई योजना कर ही नहीं रही खाली कब से लड़ रहे हैं कब से कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे पिछले काफ़ी समय से लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं और एक पीढ़ी या दो पीढ़ी इनकी गुजर चुकी हैं दो पीढ़ी मुकम्मल गुजर चुकी हैं जो पुल की मांग कर रही है सड़क की मांग कर रही है आप देख रहे हैं कितनी छोटी चीज़ मांग हो रही है यहाँ पर सड़क और पुल की मांग की जा रही है और वही दो पीढ़ी गुजर चुकी हैं लगातार आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है गांव की तो आप हालात देख ही रहे हो ये नाला है वो हमारा बैकवर्ड गाँव है ले दे के कोई सहारा है नहीं अगर बाइजत इस नाले पे पानी आ जाए हमारे गांव में कोई डिलीवरी केस हो कोई गाय बच्चा बीमार हो जाए ना डॉक्टर को ला सकते हैं ना पेशेंट को अस्पताल पहुंचा सकते हैं ले देखे बेरोज़गारी इतनी है आदमी स्वतः रोजगार करके दूध का काम करता है व्यवसाय करता है महीने में बीस दिन दूध डायरी जा रहा लाल कुआ दस दिन घर में रुक जा रहा तो कैसे होगा छोटे छोड़ छोटे बच्चे हैं इस नाले में कैसे तैराएंगे माँ बाप घर में खेती करेंगे या बच्चों को तैराने के लिए स्कूल जाएंगे या अपने बच्चे को नाती को लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं बच्चे बाहर गए हैं तो ये लेने के लिए जा रहे हैं उनको तो टाइम बर्बाद हुआ नहीं हुआ हर तरीके से परेशान है गाँव एकदम बैकवर्ड में सरकार कहती है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं गरीबी हटा रहे हैं हर जगह ये करेंगे विकास करेंगे करेंगे हम आज इक्यावन साल के हो चुके हैं हम ये चिल्लाते चिल्लाते मर गए हैं कि साहब विकास करो एक पुलिया तो बना दो रास्ता दूर एक जाने के लिए झूला पुल तो बना दो गवर्नमेंट सुनती नहीं है कांग्रेस के पास जाएँ वो कहते हैं बीजेपी टांगड़ आ रही है बीजेपी के पास जाएँ वो कहती है कांग्रेस टांगड़ आ रही है सुनते सुनते थक गए जबकि भहुगुणा जी ने जब मुख्यमंत्री जी थे यहाँ पर शिलान्यास किया सब कुछ करा पिलर बनाए कि भाई पुल पास हो गया हो गया कभी कहते हैं ये डी खराब हो गई दोबारा बनने गई है और इतनी मोहलत दो इतनी मोहलत दो होना कुछ नहीं है आप लोग हमारी आवाज़ को प्रशासन के डंके के साथ कहूगी साहब हम आज तक में वहाँ पर गए वहाँ ऐसी ऐसी परेशानी है सबसे बड़ी परेशानी ये है बड़े भाई अगर गाँव में इस नाले में पानी आता है एकदम धार का नाला है इतना पानी तैरा नहीं जाता है मिट्टी सब खिसकती है अगर गाँव में कोई बीमार पड़ जाए कल मेरी ताई जी अचानक में तिवाड़ी मोहन तिवाड़ी क्या ले गया हूँ मुखानी तो यहाँ पे गाड़ी फंस गई थी गांव के लड़के बुलाए वो तो यहाँ पे लड़के यहाँ के भी लड़के देखने के लिए आए थे सूखी का हमारे गांव के भी लड़के थे बड़ी मुश्किल से गाड़ी को धक्का देके निकाला वरना ट्रैक्टर बुलाना पड़ता ये परिस्थिति है सबसे बड़ी परिस्थिति यही है कि आदमी को अगर जानवर ब्याने वाला है वो बच्चा नहीं दे पा रहा है तो वो जानवर मरा नहीं मरा बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं हुआ ना हुआ नुकसान और हमारी आमदनी ले दे के जानवर है खेती आजकल तो हमें पता ही है बाप के पास दो एकड़ जमीन थी चार लड़के हुए बंटवारे हुए छोटी छोटी जमीन कास्तक हैं हम लोग ले देखे गाय बच्चों के पीछे ही रहते हैं अब वही वो वही दूध हमारा ये बरसात की वजह से बीस दिन डारी जा रहा है दस दिन घर में रुक जा रहा है और यही परेशानी सबसे ज़्यादा मुख्य परेशानी हमें है अपनी जान की हमारे हमारे कैसे मतलब पाएंगे बिल्कुल जान की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अभी तक हमने और समस्याएं देखी सबसे अगर मुख्य बात देखी जाए तो लोगों को अपनी जान की परवाह है क्योंकि बरसात आने पर ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं यही सूखी नदी है जिस जगह खड़े हैं यही सूखी नदी है जो गोलापार से चार किलोमीटर जो गोलापार का हाईवे है उससे चार किलोमीटर अंदर का ये रास्ता है लेकिन इस रास्ते पर आने के लिए आपको पक्का मार्ग नहीं है कच्चा रास्ता है पथरीला रास्ता है यहाँ के लोग किस तरह से अपना सर्वाइव कर रहे हैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल घड़ी में जो है ये जी रहे हैं और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं सूखी नदी पर और ये लोग जो खड़े हैं यहाँ पर ये यह बता रहे हैं जो बताई बात इन्होंने कल की ही बताई कि किस तरह से बीमार हुए और उनको वहाँ पर नहीं पुले ले जा पाया बताया कि अभी अस्पताल में हैं और जो है कल किस तरह तक इनकी गाड़ी फंस गई थी और यहाँ के जो गांव के लड़के हैं उन्होंने ही जो है गाड़ी को बाहर निकाला था एक शख्स हमारे साथ और मौजूद हैं और सर कितनी साल की उम्र होगी आपकी ये साल हमारे करीब अट्ठावन साल की उम्र होगी अट्ठावन साल से आप मांग कर रहे हैं पुल की बस ये दो हाँ मांग कर रहे हैं और समझ जाते हैं हम लोग आंदोलन के लिए फिर अब दो में ये बैहगोड़ा जी द्वारा घोषणा की गई यहाँ की पुल के लिए साठ मीटर पुल और कुछ हमारी सड़क था अब फिर उसके बाद भी हमने धरना प्रदर्शन काफ़ी किया शासन प्रशासन से लड़े तो अभी भी हमारा मामला जो है बस खाली वो अब होगा तब होगा आपने आंदोलन हाँ, बार बार। वगैरह हाँ, भी हाँ बुध पार्क चेतावनी हाँ जी बाद भी यहाँ पर कुछ कुछ नहीं हुआ जी तो पिछले बोले स, पिछले साल 2020 में पंद्रह अगस्त को आदमी राह की चेतावनी दी थी उस पीरियड में एस डी एम साहब आए थे यहाँ पे शायद और उन लोगों से बातचीत करके फिर उनने वो रुकवाया उन्होंने दो महीने के हमसे समय लिया था और दो महीना समय लेके आज पूरा साल हो चुका है अब देखिए पिछले अगस्त की बात है फिर अब अगला अगस्त आने वाला है साल भर हो गया कोई कोई हलचल नहीं कोई कार्रवाई नहीं कोई कुछ नहीं साहब रोड ना तो एक पुल तो, क्योंकि जरूरी आम समस्या ये पुल है तो कोई आदमी बीमार हो जाता है कोई कोई कैसी ये तो सब ये भगवान का भरोसा है जो उसकी छाया से हम टिके हैं यहाँ पे अपने आंखों से देख रहे हैं कि बच्चे मिल जाते हैं मददगार इधर उधर तैरते हैं कमर कमर सूखी में हम लोग निकाल देते हैं ना जानवर कितना पानी आता यहां यहां पानी है यहाँ पर यहाँ पानी जी पानी की कोई सीमा नहीं है बड़े बड़े है, कमर कमर तो पानी हम तैर लेते हैं कमर तो, पानी आता है? कमर तो हम तैर लेते हैं हम लोग फिर भी आ, कमर में इधर उधर लोगों को परेशान लोगों को पार कर देते हैं उससे ऊपर हम, हम, भी नहीं तैर पाते हैं बिल्कुल तो आपने बताया कमर के आठ दस फीट पानी आठ दस फीट पानी आता है यहाँ पर आठ दस फीट लेकिन उसके बाद भी लोग जो है यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं लोग जीवन को जी रहे हैं यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद है हमारे इनके साथ जानेंगे की इनको क्या समस्या है एज अ स्टूडेंट भैया क्या करते हैं आप जी मैं बी ए तथे वर्ष का छात्र हूँ महंग पांडे मेरा नाम है और सर कल मेरा फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है अच्छा। जिस कारण से मुझे आज हल्द्वानी रूम ले रुकना पड़ रहा है क्योंकि मौसम का हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं अगर बारिश आ गई तो आठ बजे मेरा एग्ज़ाम है ज़रूरी नहीं है कि आठ बजे तक का सूखी नदी का बहाव कम हो जाए और मैं एग्ज़ाम देने जा पाऊँ इसलिए मेरे को आज हल्द्वानी स्टे करना पड़ रहा है ये हमारी बड़ी दिक्कत है कि हम हम जब यहाँ पे सागुन का प्लांटेशन हुआ करता तब हमारे पिताजी रस्सी बाँध के हमको पार कराते थे चूँकि स्कूल जा सके ताकि हम अब माननीय विधायक जी ने आश्वासन तो दिया है देखते हैं वो आश्वासन धरातल पे कब तक का उतर पाता है युवा हैं और अभी जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री अब बने हैं खडीमा के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी जी उम्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनसे क्या आशा करते हैं और क्या उन्हें आपको लगता है कि इस समस्या से इस बार इस गाँव की दूर हो जाएगी जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से हम बड़ी आशा करते हैं वो भी युवा हैं युवाओं का दर्द समझेंगे और हमें जल्द से जल्द हमारे गांव में रोड और पुल की सौगात देंगे हमें ये आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी और लोग भी मौजूद हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी और लोग मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या जो है समस्या और दिक्कत यहाँ पर आ रही है क्योंकि लगातार देखो समस्या दिक्कत एक ही है कि ये लोगों की कि रोड यहाँ का पुल बन जाए मार्ग बन जाए और यहाँ का लोगों का आना जाना जो है रास्ता खुल जाए भाई क्या नाम हो आपका मेरा नाम प्रकाश दरियाल है आप क्या करते हैं मैं जॉब करता हूँ हल्द्वानी हल्द्वानी जॉब हाँ जी बरसात में जब जाती है फिर कैसे जाते हैं जा ही नहीं पाते हैं रुकना पड़ता है नौ बजे तक यहाँ पर घंटे रुकना पड़ जाते हैं तो इससे कचाव जा ही नहीं पाते हैं रुकना पड़ता है घर ही तो बरसात के मौसम में तो हम बिल्कुल तो नहीं निकल पाते हैं ऐसे में आपकी जॉब प्रभावित तो होती होती है हाँ बंद हो जाती है फिर छुट्टी हो जाती है उस दिन की तो फिर जा नहीं पाते हैं बार्ग। कोई बार्ग पता नहीं है ना कब तक सूखी पड़ जाए तो होते हैं देखिए मौसम है बरसात का तो बारिश का भी नहीं पता बारिश का नहीं मालूम तो सूखी नदी का भी नहीं मालूम कि कब सूखी नदी अपने उफान पर आ जाए और यहाँ के व्यवस्था को बंद कर दे यहाँ के रास्ते को बंद कर दे और लोगों का कनेक्शन पूरी तरह से कट जाए तो मैं आपको बता दूं ये सूखी नदी है और इसके पार नकेल गांव है नकेल गांव में करीब पाँच सौ एक लोग रहते हैं और करीब 100 से ज़्यादा परिवार हैं और ए, और इन सभी परिवारों को एक ही समस्या आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पे जो लोग पार कर रहे हैं अभी अभी इस वक्त पानी कम है तो लोगों ने जो है आराम से निकल गए लेकिन यहाँ बताते हैं कि दस दस फुट पानी आ जाता है उस समय लोग निकल नहीं पाते रोड पूरा तरह से ब्लॉक हो जाता है उस साइड की आवाम उस साइड इस साइड के अवाम इस साइड तब तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है जहाँ पर तमाम हमारे अधिकारी मौजूद रहते हैं डीएम एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट सारे अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं तमाम बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं यहाँ पर विधायक हमारे जो है ला लाल कुआ से लगते हैं और यहाँ और इवन हल्द्वानी पे भी जो पास में ही जो है दूसरा भी विधानसभा क्षेत्र है पर उसके बाद भी यहाँ की समस्या दूर नहीं हो रही यहाँ के लोगों की परेशानी दूर नहीं हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है आपको दिया जाए अब वहाँ पर सड़क दे देंगे तो वहाँ पर आदि लोगों की समस्या दूर हो जाती है उस क्षेत्र का विकास हो जाता है पर ये पर्यटन क्षेत्र है उत्तराखंड पर्यटन वादी है उसके बाद भी यहाँ के लोग यहाँ की सरकार अगर ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधा नहीं दे पाती है अगर सड़क नहीं दे पाती है तो क्या किस सवाल करें और ये पिछले दो पीढ़ियाँ इनकी संघर्ष किया है और उसके बाद भी यहाँ पर पुल नहीं मिल बन पाया है तो आप देख सकते हैं किस तरह से तो लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया और आपको दिखाया हमारी जे की टीम ने मैं था आपके साथ ताशिम जोड़ा मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दीपांशु कुंवर जो लगातार इस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं और तमाम इन्होंने अंदर जा के वीडियोज़ भी बनाए हैं ऐसे जहाँ पर लोगों की दिक्कत तो और परेशानी को आप देख सकते हैं और अलविदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं फिर इसी मुद्दे के साथ जे जे एन हर जे जे एन लगातार आपके बीच में उन मुद्दों को लेकर आता रहेगा जो जनता से जुड़े हुए हों धन्यवाद